आज मैं बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा और साहित्य के प्रश्न पत्र में से गया प्रसाद शुक्ल सनेही द्वारा रचित प्रेम 25 के छंदों की व्याख्या करवाऊंगी। इससे पहले हम कक्षा में भ्रमरदूत और उद्धव शतक पढ़ चुके हैं। आज मैं ऑनलाइन क्लास में प्रेम 25 के बारे में बताऊंगी। जैसा कि नाम से ही विदित है कि प्रेम 25 25 छंदों वाली एक कृति है, जिसे गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने ब्रज भाषा में लिखा है। इसमें सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। वैसे गया प्रसाद शुक्ल सनेही द्विवेदी युग के कवि हैं, परंतु इन्होंने इसमें रीतिकालीन परिपाटी को लेते हुए अपने छंदों की रचना की है। आपके कोर्स में केवल 20 छंद हैं, उनको मैं आज पढ़ा रही हूँ। प्रेम 25 में प्रेम से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है कि जब व्यक्ति प्रेम करता है तो कितना अधिक प्रसन्न होता है, लेकिन जब उसी प्रेम में ठोकर लगती है, जब प्रेमी साथ छोड़ देता है, तो प्रेमी या प्रेमिका की क्या दशा होती है, उस मनोदशा का उल्लेख इसमें बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि प्रेम में पूर्ण समर्पण होता है, लेकिन यदि उसी समर्पण को छोड़कर कोई अन्यत्र चला जाए तो क्या स्थिति होती है, उसका उल्लेख करते हुए वो कहते हैं, जे ही चाह सो चाहो तुम्हें, पहले अबहू ते ही चाह सो चाहत है, तुम चाहो ना चाहो लला, हमको कछु दीवो ना याको उरानो है। तो सनेही जी कह रहे हैं कि हम तुम्हें जैसा पहले चाहते थे वैसा ही हम आज भी चाहते हैं, और हम उस चाह को हमेशा कायम रखेंगे। तुम हमें चाहो या ना चाहो, हमें कुछ दो या ना दो, लेकिन हम उसका कोई तुम्हें उपालम्ब नहीं देंगे, कोई उराना नहीं देंगे, तुम्हें कोई शिकायत नहीं करेंगे। दुख दीजिए कि कीजिए दया दिल में, हर रंग तिहारो सराहनो है। तुम हमें दुख दो या हमें हमारे ऊपर दया करो, कैसा भी व्यवहार करो, हर रंग में हम तुम्हारी सराहना ही करेंगे। मतलब सुख दो तो भी हम तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, दुख दो तो भी हम तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। मन भावे करो मन भावन सो, हमें प्रेम को ना तो निभानो है। तुम्हारा प्रेम में जैसा चाहे वैसा मन करो, तुम जो चाहे सो करो, हम हमेशा अपने प्रेम का नाता निभाएंगे। हम हमेशा तुम्हें प्रेम करते ही रहेंगे, चाहे तुम हमें प्रेम करो या किसी और को प्रेम करो। तो कवि यहाँ पर प्रेम में पूर्ण समर्पण दिखलाते हुए कहते हैं कि प्रेम में पूर्ण समर्पण अनिवार्य है, और जो प्रेम में पूर्ण समर्पण करता है वह सुखी भी रहता है। कछु जोर नहीं हमारो ललोतित जाइए, जो चित चाहे जहाँ, मिलते मन माहिर जाहिर में, फिर आखिर में पछताइए वहाँ। तुम मानो ना मानो करो मन की, मन मार के धरिए धीर यहाँ, मिली है महबूब स्नेही सही, पै स्नेही सा और स्नेही कहाँ। तो यहाँ पर प्रेमिका कहती है कि हमारे जैसा प्रेम करने वाला तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा, भले ही तुम कहीं भी घूम आओ, कहीं भी चले जाओ, जितना प्रेम हम तुम्हें करते हैं ऐसा प्रेम तुम्हें और कोई नहीं कर पाएगा। कुछ जोर नहीं है हमारे ललते जाइए, जो चित चाहे जहाँ, मतलब हमारा तुम्हारे ऊपर कोई भी जोर नहीं है, तुम चाहे जहाँ वहाँ जा सकते हो। मिलते मन माहिर जाहिर में, फिर आखिर में पछताइए वहाँ। जहाँ पर तुम जाओगे, जहाँ पर अपना मन मिलाओगे, फिर वहाँ जाकर आखिर में तुम पछताओगे, अर्थात मुझसे दूर जाकर तुम्हें अवश्य पछताना पड़ेगा। तुम मानो ना मानो करो मन की, तुम चाहे हमारी बात मानो या ना मानो, अपने मन की भले ही करते रहो, मन मार के धरिए धीर यहाँ। लेकिन हम अपने मन को मार कर, मन को दुखी करके यहाँ पर धीरज ही धारण करेंगे। मिलिए महबूब स्नेही सही, पै स्नेही सा और स्नेही कहाँ। कह रहे हैं भले ही तुम्हें कोई दूसरा प्रेम करने वाला मिल जाए, लेकिन स्नेही जी कहते हैं कि प्रेमिका कह रही है कि मुझसे ज़्यादा स्नेह करने वाला तुम्हें और कोई नहीं मिलेगा।
तेवर फेर के नैन तरीर के मौन निरंतर को गही लेते, पेखी के आनंद चकुर है जीवन को फल तो लही लेते। औरत सो करते ना लगा लगी और तिहारी सभे सही लेते, दूर ना होते हुए हुजूर खफा है कसूर पे मेरे कछु कही लेते। तो यहाँ पर प्रेम का कह रही है कि यदि मुझसे कोई गलती हो गई थी तो तुम मुझे सजा दे सकते थे, लेकिन ऐसी सजा तुमने क्यों दी कि मुझे छोड़कर कहीं और चले गए। यदि मुझसे खफा थे, मुझसे कोई कसूर हो गया था तो मुझे कह देते, लेकिन मुझे छोड़कर ना जाते। यदि तुम मेरे पास रहते तो मैं तुम्हारे चंद्र आनंद चंद्र चकोर, तुम्हारे मुख को जो है चंद्रमा जैसे मुख को आनंद चंद्र चंद्रमा रूपी मुख को मैं चकोर बनकर देखती रहती और जीवन के सुख को प्राप्त कर देती। तुम औरों से अपना मन नहीं लगाते तो मैं सब कुछ सह लेती। मुझसे कोई अपराध हो गया था, मुझसे कोई गलती हो गई थी तो मुझसे नाराज हो जाते, पर अपने नैनों को फेर कर मौन धारण करके मुझे छोड़कर यूं ना जाते। जोरियो सो जोरियो प्यारे सुनो नहीं ना तो है नेह को तोड़ने वाले, छाड़ी आप चाहे मिली वो है नहीं हम संग के छोड़ने वाले। मानिए देखी सुनो नहीं मानिए लाख है तोड़ने फोड़ने वाले, नैनी छिपाए फिरे वही आग से नहीं नहीं मुँह मोड़ने वाले। तो यहाँ पर प्रेमिका कह रही है प्रेमी से कि आप हमसे दूर चले गए, अब तुमने नैनों को फिरा लिया, मतलब हमसे अपने नैनों को छुपा लिया, नैनों को छिपा कर दूर रह रहे हो। तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे होते हैं जो लाख हैं तोड़ने फोड़ने वाले, जो एक दूसरे के प्रेम के संबंध को तोड़ने फोड़ने वाले, एक दूसरे को अलग करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तुम्हें ऐसे मुँह छुपा कर नहीं जानना चाहिए था। जोरियो सो जोरियो प्यारो सुनो नहीं ना तो है नेह को तोड़ने वालों, मैंने तो तुमसे नाता जोड़ लिया, भले ही तुम मुझे छोड़कर चले जाओ पर मैं तुम्हारे प्रेम को कभी नहीं तोड़ूंगी, कभी नहीं तोड़ सकती। छाड़ी आप चाहे मिले वो है नहीं हम संग के छोड़ने वाले, आप भले ही हमसे मिलना छोड़ दें लेकिन हम तुमसे मिलना कभी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर प्रेमिका का जो प्रेम है वो गंभीर प्रेम है, वो अपने प्रेमी के छोड़ने के बाद भी उसे निरंतर याद करती है और उसे कभी भी उससे दूर नहीं होना चाहती। फिर विचार के पाछले बैन सने ही सनी सदा पगी जाते, फिर के चातुरी चित चुराए चाला की चलाए मने डगी जाते, फेरी कृपा करते एक बार तो भागी हमारे लला जगी जाते, आते यहाँ पे छिपाते ना नैन जिलाते हमें जो गले लगी जाते। प्रेमी के जाने के बाद भी प्रेमिका प्रेमी को याद कर रही है और वो याद कर करके कह रही है कि भले ही तुम हमें छोड़कर चले गए लेकिन हमारे पास आकर एक बार हमसे गले से मिल जाते तो मेरी सारी शिकायतें सारे शिकवा सभी दूर हो जाते अगर तुम एक बार मेरे पास आ जाते, लेकिन तुम तो चालाकी चल के छोड़कर चले गए और तुमने सोचा भी नहीं कि मेरे जाने के बाद मेरी प्रेमिका की क्या स्थिति होगी। वाणिज प्रेम को कह के अजी अब आप निकारत है सो दीवाला, बेली सने की सूखन चाहती जाको है चाह के नीर से पाला, कीनो लगा लगी और कहूँ का कहो तो भरा किसका घर थाला, आते नहीं तरसाते जू ही तो सने हुई जू है कछु दाल में काला। तो यहाँ पर कवि जो है प्रेम को व्यापार की तरह ले रहे हैं कि कुछ लोग प्रेम में सच्चे नहीं होते अपितु प्रेम को व्यापार समझते हैं, बनिए की तरह प्रेम को व्यापार समझा, और इस व्यापार में जब प्रेमी प्रेमिका को छोड़कर चला गया तो उसको व्यापार में घाटा हो गया है। तो वो कह रही है कि आपने तो मेरा दिवाला ही निकाल दिया, अब जो तुमने प्रेम से जो प्रेम रूपी बेल को स्नेह से जो तुमने स्नेह से सिंचन किया था वो अब सूखती जा रही है, अर्थात तुम्हारे प्रेम के विरह में मैं अब कृश होती जा रही हूँ। जाको है चाह के नीर से पाला, जिसको तुमने चाहत के नीर से पाला था, जिसको जिस अपनी प्रेमिका को तुमने प्रेम से सींचा था उसी को जो है
सुखा दिया, उसी बेल को तुमने उससे अलग होकर उसे सुखा दिया है। और कीनी लगा लगी और कहूँ, और कहीं जाकर तुमने अपना दिल लगा दिया। और पता नहीं किसका घर थाला, किसका घर तुमने उस प्रेम से परिपूर्ण कर दिया है। आते नहीं तरसाते जीत हो, यदि ऐसा नहीं था तो तुम जरूर आते और आकर हमें तरसाते नहीं। जरूर कुछ दाल में काला है, मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए तुम मेरे सम्मुख नहीं आते। इसलिए प्रेमिका जो यहाँ पर विरह में बहुत अधिक व्याकुल है और अपने प्रेमी से शिकायत कर रही है। क्या विश्वास विश्वासी को दिल में अपने दाव न लेते, मारिए दाव को दाव विचारते, घात विचार के दाव न लेते। तो कह रही है कि जो विश्वास तुमने जो विश्वासघात किया मेरे साथ, यदि मुझे पहले से पता होता तो मैं प्रेम का दाव ही ना लेती, प्रेम का खेल ही नहीं खेलती। हे था करी निर्भोसो, होन कभो बदलाव न देते, जानते जो पछताइए अंत, तो प्रेम के पंथ में पाँव न देते। यदि पता मुझे चल जाता कि इस प्रेम में अंत में पछताना ही पड़ता है, तो फिर मैं प्रेम के रास्ते पर कभी कदम ही नहीं रखती। और यदि मुझे पता होता कि मेरा प्रेमी इतना निर्मोही होगा, मुझे छोड़कर चला जाएगा, तो मैं कभी प्रेम का दाव ना लेती। पछिताने दीवाने बिकाने से हैं, चलिया निर्मोही के पाले पड़े, कुल कानी गवाए हंसी सु सही, कहिए फिर केते कसाले पड़े। तो यहाँ पर प्रेम का कह रही है कि मैं प्रेम के मार्ग में पूरी तरह से चली गई हूँ, क्योंकि मेरा प्रेमी मुझे छोड़ के चला गया है। मैं ऐसे निर्मोही के, ऐसे छलिया के पाले पड़ी हूँ कि मैंने अपनी कुल की लाज भी गंवा दी और अपना सब कुछ खो दिया। ऐसा प्रेम का ये मार्ग है जिसमें बहुत अधिक कसाले पड़ गए हैं, बहुत अधिक कष्ट हो रहा है मुझे। प्रेम के विरह में क्या होता है, तन की दुती छीन मलिन भई, जो तन की जो सारी शोभा थी, जो सारी कांति थी, वो क्षीण हो गई है, मलिन हो गई है। रंग और भय अंग काले पड़े, और रंग जो है हल्का हो गया है, सारे अंग जो है कृश हो गए हैं और कालापन रंग में आ गया है। तब तो और दीन विचार बिना, तब तो मैंने बिना विचारे ही अपने दिल को दे दिया। अब अंत में जान के लाले पड़े, अब अंत में जो है मेरे प्राणों के भी लाले पड़ गए, अर्थात मुझे अपने प्राण बचाना भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि विरह में मेरी स्थिति बड़ी कष्टमय हो गई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी ने बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग किया है, लगभग हर छंद में एक मुहावरा उन्होंने लिया है। प्रेम का स्वाभाविक वर्णन है और प्रेम के विरह में प्रेमिका की व्याकुलता को उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। दिन रैन बितावे उशासन ले सही, सासति दूसरो काज कहाँ है, जब लो दिलदार न पीर हरे, यही रोग की और इलाज कहाँ है। तो प्रेमी और प्रेमिका जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो उन्हें कुछ भी मिल जाए, उन्हें खुशी नहीं मिलती, उन्हें चैन नहीं पड़ता, लेकिन वो चैन उन्हें तभी पड़ता है जब उनका प्रेमी उन्हें मिल जाता है। तो क्या स्थिति है प्रेम के विरह में, दिन रहे बितावे उशासन ले से, दिन रात जो है सांसें ले लेकर जीवन बिता रहे हैं, दूसरा कोई काम नहीं है। या तो दिलदार पीर हरे, और या तो हमारा जो चाहने वाला हमारे पास आकर हमारे इस दुख को दूर करे, हमें अपने दर्शन दें, इस रोग का और कहीं इलाज नहीं है। सब गांव के लोग हंसे तो हंसे, अपने बसिया मन आज कहाँ है। जब प्रेम की विरह अवस्था होती है तो सभी लोग हंसते हैं, उपहास करते हैं कि देखो कैसा दीवाना हो गया या कैसी दीवानी हो गई है। तो वो कह रहे हैं कि चाहे लोग हंसे तो हंसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा अपने मन पे कोई नियंत्रण ही नहीं है। कहनावती साँची स्नेही भई, जहाँ लगी गई तब लाज कहाँ। तो स्नेही जी कह रहे हैं कि ये तो कहावत बिल्कुल सच हो गई कि जिसकी लग गई उसको लाज कहाँ रहती है, अर्थात जिसकी आँखियाँ किसी से लग जाती हैं वो फिर लाज शर्म खो देता है। तो ये जो है सामाजिक स्थिति का यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन किया है, और मनोवैज्ञानिक चित्रण भी है कि जब व्यक्ति
विरह की अवस्था में होता है तो उसे किसी की बात समझ में नहीं आती। जाने नहीं कुछ जी की विथा, विरहा की कथा सुनी देत है गारी। दीनता देख की दया न करे, हटी ठानत शान महान अनारी। चूर गरुड़ नशे में रहे, नहीं सोचत है हम पे बलियारी। यार रहे होशियार सदा, करियो जनी भूली गंवार सो यारी। तो यहाँ पर प्रेमिका कह रही है कि हमसे बहुत गलती हो गई, जो हमने ऐसे गंवार व्यक्ति से प्रेम किया। इसलिए हमेशा प्रेम सोच समझ कर करें, किसी जो है मूर्ख व्यक्ति को अपना दिल कभी ना दें। जाने नहीं कछुजे की व्यथा, वो तो हमारे इतना मूर्ख है, इतना गंवार है कि हमारे हृदय की व्यथा ही नहीं सुनता, और हम अपना दुख सुनाते हैं तो वो गाली देने लगता है। दीनता देख की दया ना करे, और हम इतने दुखी हैं इस दीनहीन अवस्था को देखकर भी उसे हमारे ऊपर तरस नहीं आता। हटी ठान तसान महान नारी, जो है वो हट पूर्वक अपने ही कार्य में लगा हुआ है, वो हमारी बात नहीं सुनना चाहता, हट मानकर बैठा है, बहुत बड़ा अनाड़ी है। चूर गरुर नशे में रहे, और वो हमेशा नशे में चूर रहता है। नहीं सोचते हम पे बलियारी, और ये सोचता भी नहीं है कि हम उस पर अपना प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, फिर भी वो हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। तो इसमें जो है प्रेमी की जो है ऐसी अवस्था का चित्रण किया जिसमें वो प्रेमिका की आंसुओं को भी अनदेखा कर देता है। रस पे रस आयो ना ए तो कबो दुख पायो, जी तो अब रावरे रोस में। पहले मन दीनो निछावर के, जो सोचे नहीं कुछ प्रेम के जोश में। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि प्रेमिका कहती है कि पहले तो प्रेम के जोश में कुछ सोचा ही नहीं, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। रस में रस आयो ना ऐसो कबू, तब प्रेम में भी इतना आनंद कभी नहीं आया था जितना अधिक दुख रोष में है। गुस्से में जितना अधिक दुख हो रहा है, इतना कभी प्रेम में भी आनंद नहीं आया। कुलकानर और आंत धोए हैं हाथ, रहे दिन रात ही अफसोस में। और हमेशा दिन रात यही अफसोस रहता है कि ऐसा प्रेम किया जिसमें जो हमने कुल और वंश की आन को भी धो दिया, अर्थात अपना सब कुछ खो दिया। बिनु कारण प्यारे जो न्यारे, भय उपहास कराए के पास पड़ोस में। और प्रेम करके हम पास पड़ोस में भी उपहास के पात्र बन गए। तो प्रेम में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति कैसी होती है उसका वर्णन किया गया है कि सब लोग हंसते हैं, उपहास करते हैं, कुल और वंश की मर्यादा भी नष्ट होती है। तो इस तरह से प्रेम की ऐसी अवस्था का वर्णन किया है जो कि समाज के द्वारा मान्य नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, ये बहुत पुरानी बात रही है, ये जो है रचना काफ़ी पुरानी है, इसलिए 19वीं शती की रचना है ये, इसलिए अब ऐसा नहीं है। अब प्रेम के संदर्भ में लोगों के विचार बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रेम जो है हमेशा अच्छे पात्र से और सोच समझ कर करना चाहिए, जिसमें वंश की या कुल की मानहानि ना हो। जानत जो यह हो यह दशा, तो बलाए ना यूँ अपने से लेते। ठानते जो मरीबो मन में, करी और जुक्ति कहूँ मरी लेते। तो यहाँ पर प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन किया है कि जब प्रेम में विरह होता है तो प्रेमिका सोचती है कि यदि मरना ही था तो प्रेम में ना मरते, कोई दूसरा उपाय सोचते। प्रेम करने की बजाय, मरने की बजाय कोई दूसरा उपाय सोचते, क्योंकि प्रेम में तो तिल तिल करके मरना पड़ता है। जानत जो हुए है दशा, यदि ये पता होता कि हमारी प्रेम में दशा होते तो हम ये बलाए, तो ये हम बला अपने सिर पर कभी ना लेते। ठानते जो मरीबो मन में, मन में यदि मरना ही ठानते तो करी और युक्ति कहूँ मर लेते, तो किसी दूसरे ही युक्ति लेकर मर जाते। होते सचेत हमेश जुतों, दिल अपन यों सहजे हरी लेते। दे तू तो पाँव सने के पंथ, करे जो पाथर को करी लेते। और हम पहले से ही सचेत हो जाते और अपने दिल को यों किसी को ना दे देते, और प्रेम के पंथ पर जाने से पहले अपने कलेजे को पत्थर कर लेते। हम उस तरफ जाते ही नहीं, अपने हृदय को पक्का कर लेते कि हमें
प्रेम के मार्ग पर नहीं चलना है। पहले अपनाए बनाए सगी दिलदार दगाव देन लगे, करी चाह सने बढ़ाए सने और प्यार दगाव देन लगे। पहले तो प्रेमी ने बहुत अधिक प्रेम किया, अपना बनाया, सगा बनाया, लेकिन अब वही प्रेमी जो है वो दगा देने लगे हैं, विश्वासघात करने लगे हैं। पहले स्नेह को बढ़ाया, चाह इतना प्रेम दिया कि स्नेह को निरंतर बढ़ा दिया, और फिर जब स्नेह बढ़ गया तो प्यार में उन्होंने दगा दे दिया। पहुंची नहीं नाव पुकार पड़ी, हमारे प्रेम की नाव अभी पार लगी भी नहीं थी कि बीच में ही पुकार पड़ गई, शोर मच गया, मझधार दगाव देन लगे, और मझधार में ही प्रेमी ने दगा दे दिया। विश्वास में चाहिए ऐसो नहीं तुम पर यार, दसगा अब देन लगे। ऐसे जो है ऐसे प्रेमी से मैंने विश्वास किया जिसने मुझे अंत में दगा दिया, तो प्रेम में बहुत बड़ी भूल हो गई है, प्रेमिका ऐसा सोच रही है। ज़्यादातर जो है प्रेम कहानियों का अंत इसी तरह ही होता है। तो लेखक ने यथार्थ वर्णन किया है इसमें कि प्रेम में हमेशा धोखा ही मिलता है। प्रेम करे नरसो जग में, समझे धर ऊपर मात नहीं, पंत भयानक पे पग दे के विचार ले कहुए साथ नहीं। तो हमेशा जो व्यक्ति इस संसार में प्रेम करता है तो समझ लो कि उसके ऊपर धड़ के ऊपर मात नहीं है, मतलब उसमें दिमाग बिल्कुल भी नहीं है, उसका केवल धड़ ही धड़ है और मस्तिष्क नहीं है, माथा नहीं है। अर्थात यदि उसमें थोड़ा सा भी दिमाग होता ना तो वो प्रेम नहीं करता। पंत भयानक पे पग दे के विचार ले कहुए साथ नहीं, ये बड़ा ही भयानक मार्ग है, प्रेम का मार्ग बड़ा ही भयानक है। इस पर सोच विचार कर ही चलना चाहिए, क्योंकि प्रेम के मार्ग में कोई साथ देने वाला नहीं होता। तृष्टा मृग सी ही स्नेह में, प्यासे बुझ को कौन पाए नहीं। और हमेशा जो है मृग तृष्णा की तरह व्यक्ति प्यासा ही रह जाता है, उसकी प्यास बुझाने वाला कोई नहीं होता, कोई राह नहीं होती जो प्रेम में संतुष्टि दे सके। और विशेष विथा को कहे अपने मन अपने हाथ नहीं, और प्रेम के बारे में और ज़्यादा क्या बताएं, अपना मन भी अपने हाथ में ही नहीं रहता, ऐसी स्थिति होती है। तो प्रेम में व्यक्ति का अपने ऊपर से ही नियंत्रण खो जाता है, तो भला दूसरा कोई क्या साथ देगा। प्रेम करने वाला व्यक्ति इस संसार में बिल्कुल अकेला रह जाता है। मृगा की इसी में उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, मन अपने हाथ नहीं इसमें मुहावरे का प्रयोग किया है, कौनो पाथ नहीं कोई रास्ता नहीं है ये भी मुहावरा है, और कौ है साथ नहीं कोई अपने साथ नहीं होता। तो ये सब यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक बातें कहकर लेखक प्रेम के विरह पक्ष का चित्रण कर रहे हैं। तो पूरे में बिंबात्मकता भी है, चित्रात्मकता विद्यमान है। सुख सोच सने करो ना कबो लगी है, न तू अंत कलंक कुटी को, पर ये नहीं प्रीत के फंदन में काम करे जस की फसरी को। तो प्रेम कैसा होता है कि सुख सोच, इसमें सुख भी नहीं होता, इस प्रेम को सोच समझकर ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई सुख नहीं है, अंत में जो है कलंक का टीका ही लगता है, कलंक का टीका मुहावरा है। और परे नहीं प्रीत के फंदन में, प्रेम करने वाला प्रेम के फंदे में नहीं पड़ता, अपितु ऐसे हो जाता है जैसे यमराज की उसे फांसी मिल गई हो। मन भावन जानत जाको अबे, कुछ धौस में है सो गाहक जी को। जिसे हम मन भावन समझते हैं कि हमारा बहुत मन का है, तो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं होता, वो बड़ा धौस देने वाला होता है, वो हमारे जी को जो है लेने वाला होता है। जिए जान सने ही सदैव रहे वो, और हमेशा जो है हमारी जान अटकी रहती है और हम हमेशा दुखी रहते हैं। प्रेम करना ऐसे है जैसे पकवान है ऊंची दुकान को फीको, मतलब ऐसी ऊंची पकवान है प्रेम, ऐसे ऐसी ऊंची दुकान की तरह है जिसका पकवान फीका होता है, मतलब देखने में तो बहुत अच्छा लगता है प्रेम, लेकिन उसके भीतर जो दर्द होते हैं वो फीके होते हैं, कष्ट देने वाले होते हैं। रहिए गई मौन निरंतर ही, दिल को कहूँ कहूँ ते खोलिए ना, हटी चाह के मार्ग में पग दे बनी बावरे व्याकुल डोलिए ना, सहिए न वियोग व्यथा करी प्रेम, हलाल पीवे को घोलिए ना,
सुख चाह जो जग तीतल में, तो स्नेह के बहन को बोलिए ना। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमेशा जो है प्रेम में जो है, अगर किसी से प्रेम हो जाए तो उस प्रेम को मन ही मन में रखिए, रहिए गई मौन निरंतर, ये अपने मन में ही लगातार रखे रहना, दिल को काहू कांते खोलिए ना, उस प्रेम को किसी को कह मत देना, किसी के सामने खोल मत देना, नहीं तो हटी चाह के मार्ग में पग दे, बनी बावरे व्याकुल डोलिए ना। और अपने जो है प्रेम को जबरदस्ती किसी को सौंप देना ऐसा मत करना, नहीं तो बावरे बनकर जो है व्याकुल होकर डोलना पड़ेगा, इसलिए अपने मन को वश में रखना जिससे कि व्याकुल बनकर डोलना ना पड़े। सही है ना वियोग विथा करे प्रेम, और वियोग रूपी विथा को सहने से अच्छा है कि प्रेम को करे ही नहीं, नहीं तो हलहल पीबे को घोलिए ना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा अगर प्रेम कर लिया तो मानो विष का प्याला ही पी लिया। तो सुख चाह जो जग जीतल में, तो स्नेह के बैन हो बोलिए ना, यदि संसार में सुख से रहना चाहते हो तो किसी से प्रेम मत करना, प्रेम के बैन मत बोलना, मतलब प्रेम के बंधन में मत बनना। चाह मैं यार परो न कबो, हम सीखे हैं या मैं सब कुछ खोकर, चैन नहीं दिन में चिनो बरी, रैन हो सारी बितावत रोकर। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ये सब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये सब अनुभव की बात है, ये सब मैंने खोकर ही समझा है, हम सीखे हैं या मैं सब कुछ खोकर, मैं सब कुछ खोकर ही सीखा हूँ कि प्रेम की चाह में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए, ना तो चैन नहीं दिन में, ना तो दिन में भी चैन मिलता है, ना क्षण भर रात में चैन मिलता, सारी रात रो रो कर बीतती है, सूझे ना कोई उपाय मिला आपको, और मिलने का कोई उपाय भी नहीं सोचता, ताप सहनित बावले होकर, हमेशा विरह रूपी ताप विरह रूपी पीड़ा बावले होकर सहनी पड़ती है, चूर हुए जात गरूर सबे, सारा जो गरूर है वो चूर हो जाता है, तो रहियो दूर बचाइयो प्रेम की ठोकर, इसलिए अपने आप को प्रेम की ठोकर से बचा कर रखना, अर्थात प्रेम करने की बात सोचना भी मत। निसी आवे ना नींद ना भावे, कछु उर्जे रह दुख द्वंदन में, हल्कोपन आपुन होए नितय, उड़ताप सहे छल चंदन में, ये हेरि स्नेह जो हौसन त्याग रही, मन के नंदन में हरिलेत अनंदन वृंदन को, पर ये नहीं प्रेम के फंदन में। तो कवि कह रहे हैं कि कभी भी प्रेम के जाल में नहीं फंसना चाहिए, प्रेम के फंदे में नहीं फंसना चाहिए, अपितु मन को आनंद के साथ जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए, विरह रूपी प्रेम से तो अच्छा है कि हम अपने ही बिना प्रेम के आनंद से जिएं और खुशी खुशी अपने जीवन को जिएं, क्योंकि प्रेम ऐसा है जिसमें ना रात में नींद आती है, ना दिन में कुछ समझ में आता है, सब कुछ उलझा रहता है, व्यक्ति दुख में डूबा रहता है और हमेशा जो है दुखी रहता है, अपने ही सोच में उलझा रहता है, इसलिए यदि आनंद से जीवन जीना है तो प्रेम का जीवन छोड़ के अपने मन के आनंद में जीना चाहिए। तजी लोक की लाज रहे हैं, तहु जग में अनवाद डरे ही रहे, चित आवे ना चेत अचेत से है, अधरान में धान धरे ही रहे, अधरान में आन धरे ही धरे रहे, तरकी नहीं जात वियोग व्यथा, बिन मीची हाय मरे ही रहे, कहिए कहिए सो रहिए चुप है, दिल में दुख दी भर ही रहे। तो इसमें प्रेम में क्या होता है कि लोक लाज को छोड़ना पड़ता है, संसार में अपवाद होते हैं उनसे डर लगता है, चित्त जो है अचेत सा रहता है, और जो मन की पीड़ा है वो मन में ही रह जाती है, बाहर आने से डरती है, अधरों पे आने पे भी सोचना पड़ता है, और वियोग की व्यथा ऐसी होती है जैसे कि सहन नहीं होती, ऐसे लगता है कि जैसे अभी ही प्राण निकल जाएंगे, इतनी पीड़ा करने वाली होती है, इसलिए अपने मन में प्रेम की पीड़ा को रखने से अच्छा है कि हम बिना प्रेम के ही संसार में जीवन जिए, मतलब प्रेम ही प्रेम का वाला प्रेम ना करें, बाकी आदर्श प्रेम करने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर कवि जो है उस प्रेम की बात कह रहे हैं जिसमें कि पीड़ा और कष्ट होता है,
उनको परवाह नहीं है कछु बनी जात है चाह में रात के रोड़े, निर्लज बनावत आखिर को नहीं मानत लोग इलाज को कोड़े। नहीं जानिए कैसे विश्वासी है दुष्ट अनेकन आज लगे घर फोड़े, पगिरू पुसुदा छकी जात है चन में लगी जात है नैन निगोड़े। तो वो कह रहे हैं कि इन प्रेम के मामले में क्या है, नैनों की बड़ी परेशानी है, ये नैन बड़े निगोड़े हैं, ये मानते नहीं किसी की जो है रूप के सौंदर्य का पान करने के लिए, उसकी जो अमृत जैसा सौंदर्य, जो अमृत जैसा सुख देने वाला सौंदर्य है उसको देखने के लिए ये आंखें अपने वश में ही नहीं रहती और ये आंखें नहीं मानती हैं और क्षण भर में ही प्रेम में लग जाती हैं। उनको परवाह नहीं कुछ बन जाते हैं चाह में रात के रोड़े, उनको जो है कोई परवाह नहीं होती, और जो है ये आंखें जो हैं हमारी कैसी होती हैं, किसी की परवाह नहीं करती, हम जिसको चाहना चाहते हैं ज़बरदस्ती उसको उसके प्रति आकर्षित हो जाती हैं, और हम जो रोकना चाहते हैं हमको उस को रुकती नहीं वो, और रोड़ा नहीं बनती बल्कि चाह में ज़बरदस्ती आकर जो है आँखें दूसरे को प्रेम में आकर्षित हो जाती हैं। निर्लज बनावत आखिर को, और ये आँखें ही हैं जो हमें निर्लज बना देती हैं, लज्जाहीन बना देती हैं, नहीं मानत लोग की लाज को कोड़े, और लोग की मर्यादा को ये नहीं मानते, लोग के कोड़ों को, लोग संसार की जो पीड़ा है संसार की जो लाज है उसको भी नहीं मानना चाहती हैं आँखें, और बिना किसी रुकावट के जो है प्रेम में लग जाती हैं। नहीं जानिए कैसी विश्वासी है दुष्ट, की आँखें देखें कितनी दुष्ट हैं जो दूसरे पर विश्वास कर लेती हैं, अनेकन आज लगे घर फोड़े, और ये आँखें ही हैं जो किसी का घर बर्बाद कर देती हैं, और इन आँखों के कारण ही हम दूसरे के सौंदर्य के रस का पान करते हैं, और ये आँखें ही जो है हमेशा प्रेम के मार्ग में ले जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर कवि आँखों को दोष देते हुए कह रहे हैं कि नेत्र ही हैं सर्वप्रथम जो प्रेम के मार्ग में आते हैं और सबको जो है कष्ट देते हैं। इस प्रकार लेखक ने रूपक, अनुप्रास, उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है, मुहावरों का भी बार बार प्रयोग किया है, और लक्षणा शब्द शैली का प्रयोग करते हुए प्रेम के मनोवैज्ञानिक पक्ष को बहुत सटीक रूप से पाठकों के समक्ष उभारा है। धन्यवाद।